afternoon, where we will be exploring the key aspects of taxation in India, especially focusing on Ladakh, along with a Q&A session at the end. First of all, I'd like to request Sri Tashi Gassan, Sri Singh Amsu, Sri Gulam Mehdi, Sri Santosh Sukhdev, and Sri Prinsop Dodan to come on the stage and please take a seat. और ना ही सिर्फ बेसिक्स में कर सके और आने वाले टाइम में एडवांस जीएसटी और एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर भी कर सके। और मैं फिर से एक बार आप सब सब लोगों का स्वागत करता हूँ और सीजी साहब और डीसी साहब को स्पेशली इनकी इनिशिएटिव की वजह से ये चालू हो पाया है, तो इनका फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबको सेम फीलिंग पड़ती है, इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे एक्साइज और जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा beneficial या ज़्यादा progressive kind of taxes हम मानते हैं, because income के ऊपर लेते हैं, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा pay करेगा taxes। लेकिन indirect taxes क्योंकि सबको same देने पड़ते हैं, हम थोड़ा सा उसको regressive kind of economic term में बोलते हैं, क्योंकि कोई बंदा 1 crore रुपये कमा रहा होगा, कोई 10,000 कमा रहा होगा, अगर वो दोनों एक kind एक ही शर्ट खरीदे तो दोनों को सेम GST pay करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से indirect taxes वर्क करते हैं। लद्दाख में हमने देखा GST implementation के बाद से जो अकाउंटिंग प्रोसेस है और जीएसटी की जो बेनिफिट है वो यहाँ की इंडस्ट्रीज, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो या बाकी जहाँ इंडस्ट्रीज हो, बाकी वाली सारी चीज़ें, उनमें जितना बेनिफिट उनको मिलना चाहिए जीएसटी के एक्सेस उतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, आपको अगर रिटर्न टाइम पे फाइल करते उसके बारे में बेनिफिट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो रहे हैं जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि या तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हमारे इंडस्ट्रीज में या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और उस हिसाब का एजुकेशन या उस हिसाब का पेनिट्रेशन नहीं था यहाँ पे टैक्स अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे कॉल कर रहा था कि हाँ जो सबसे ये बता रहे थे कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई रिफॉर्म था कि डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ni a tenne ca magnum ci era in jate o dar se tio jun samara ci ca ta bomba di spi di un san nis na nia poi tenere ci ta ta da sa i cos petru na ta extra na ta knowledge na ta skilling and success di un san nia po e ne yamo ci ci po che ta tenne na la da se na cuba e ne account se to po ne na ta ben power ma con modo na ta अकाउंट्स से डाउन दिया था सही जीएसटी का था नाम ले वाला लगता है ना था लगभग सोते ते का निकाला था ना लास्ट सोच में ना हम सोच पाच हूँ ना ये स्कालस बात को मामा ते ले का ने ते ने जीएसटी रिटर्न फाइल जो चीज़ में चम्मा चिकन हो जाए मचुआ ये ते उन चम्मा माले चौसेस मौसेस जो फसल नियोक्ता मापे हो ते ने जीएसटी वे का ने फंटोक्स ची थोबा जरकन निस्को लंग्यूस मापे मायोर फसल ते फाइलिंग मुंदेमा मचा दूसरे स्पष्ट तेल किया ना था मेन पावर किया ना था यान ना तैयार जो उसको और न्यापो न्यापो तेरे ये काउंसलिंग ना था जब कुछ ये काउंसलिंग इनाजुगी ना जी यो जब कुछ इतनी सिचुएशन चाहते हैं तो इन नंगों में वेगा तेरे ना था गांव टीम चामशी की मास ला ये ना सीरियसनेस तो ना था ये काउंसलिंग सेशन वो जब ची मतलब ये जो जैसे ते तो शी का टापसों में समझे यो कंक्लूडिंग काम काउंसलिंग सेशन में मैं जो बोल रही थी यार इमिशन मैडम पता प्रीति मैं कौन है तो पा मैं किस जेल में माले चीनी तक पने तो जो चीज है मैडम माता मा रेपीटेड माता चक्कर लगा सा चावला जाते लोग भर जी में पने चावला जाते हैं उसके ऊपर संग कौन है माले लंपो मंपो मजा डिस्कशन तो कोले तुझे जो कि लड़ाक से ना हमारे बिल्कुल ना ताज़े सी पहली मंज़र हो मच्छा हमारे सिद्ध चोटियों में मां योग्यता मांगते हो दूर से केस मांगते हो पराम होने रिजोल्व जाता हो यानी
काउंसलिंग सेशन जी तरकाल मेरे साथ कुछ तो और ई टू माता मिसाल ट्रेन चढ़ना है काउंसलिंग क्या तेरे माता जॉब माता प्लेसमेंट जी तो शेयर जो से माता गोजों चांगू ना तेरे माता अकाउंट से तो पड़े अकाउंट हैंडल जो चीज़ ना तेरे माता ये माता ट्रेनिंग ना चल तू इंग्लिश शो में चीज़ ना बस पास ते तो संभव हम पूछेंगे वो मजे पूरे महीने की उनके इनकम 15,000 रुपए है, वो लोग क्या बचा पाएंगे 15,000 में, है ना? तो ये एक जनरस एक्ट है कि आप अब उनके बेसिक पे में से 12% काट के और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दें। आप अपनी तरफ से 12% दें, वो अपनी तरफ से 12% देंगे और उसको हम डिपॉजिट करा देंगे। गवर्नमेंट उस पर 8.5% का इंटरेस्ट देती है। आज के डेट में सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलता 8.5 करंट। आप यहाँ पे जाएं किसी भी बैंक में जाके पूछें कि एफडी पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट्स नॉट 8.5%, बट पीएफ में मिलता है। तो आप जरा सोचिए कि जो लोग वर्कर्स हैं आपके यहाँ पे काम करते हैं, अगर उनका आप 12% बेसिक का कह रही हूँ, नॉट एंटायर सैलरी, अगर आप किसी को 15,000 की सैलरी दे रहे हैं तो उस 15,000 को आप 3 बाइफरकेशन में बांट सकते हैं, बेसिक में, एचआरए में और डीए में, और बेसिक का 12% आप काट के जमा कर सकते हैं। आज अगर आप ये करेंगे तो आज से 20-25 साल बाद वो एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा एंड दे बी थैंकफुल टू यू कि कुछ तो हमने बचाया। वैसे तो 15,000 में कौन सी एसआईपी होती है, कुछ नहीं होता। 15,000 आ जाते हैं बस गॉन, एक वीक के अंदर वो सारे पैसे चले जाते हैं। तो ये जो हमने एजुकेशनल सेमिनार किया है वो इस एक्ट के लिए भी किया है। तो आगे जो हम Q&A सेशन करेंगे उसमें आप पीएफ से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लद्दाख में नहीं है, 1026A के अंतर्गत इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन आप जितने भी बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं, आई कैन गारंटी, आप मुझे लॉगिन डिटेल्स दीजिए, सबका टीडीएस कटा होगा, सभी का टीडीएस कटता है और लोग अपना पैसा सरकार को दे देते हैं और कभी वापस नहीं लेते हैं। वो इतना बड़ा अमाउंट है। अब क्या होता है, जब आपका टीडीएस कटता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई इनका इतना इनकम था, उस पर टीडीएस काटा। आजकल के समय में क्या हो रहा है, लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं कि आपने इतनी इनकम की, अच्छा आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया, इवन दो यू आर नॉट सपोज टू पे टैक्सेस बट यू नीड टू फाइल योर रिटर्न्स। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये एक फायदे की जगह और नुकसान बनता जा रहा है। लोगों के असेसमेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं। तो टीडीएस अपना आपका हक है, आपका पैसा है, आप समझिए टीडीएस क्या है। 500 रुपए लगेंगे आपको एक आईटीआर फाइल करने के, बट यू कैन गेट ऑल योर मनी बैक। मेरे इतने सारे क्लाइंट्स चले हैं मैं जिनको उनका टीडीएस का रिफंड दिलाती हूँ, 10 लाख 20 लाख ऐसे उनका रिफंड आता है। इमेजिन वो उनका पैसा हम छोड़ देते हैं, अरे यार कट गया छोड़ दो, कोई बात नहीं जाने दो। वैसे भी थोड़ा सा तो एटीट्यूड है ही लद्दाख में जाने दो वाला, तो उस जाने दो वाले एटीट्यूड से निकलेंगे तभी हम जीएसटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, इनकम टैक्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे और जो भी बाकी के एक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद क्यू एंड ए। इधर नोटिस पे ये लिखा था कि टेंडर शुड बी डन इंक्लूडिंग जीएसटी, ये कहता है एक्सक्लूसिव जीएसटी एंड जीएसटी विल बी इंक्लूड ड्यूरिंग द अलॉटमेंट। तो एसएससी में गवर्नमेंट पैसा दे रहा है फिर गवर्नमेंट पैसा ले रहा है, सो ये क्या मैथमेटिक्स है हमें समझ में नहीं आया। एक जो अभी पीडब्ल्यूडी में हम जैसे टेंडर आउट करते हैं, सो कॉन्ट्रेक्टर से कोई लेना देना दिख नहीं रहा है क्योंकि टेंडर में ही कह रहे हैं गवर्नमेंट की जो टेंडर है वो जीएसटी इंक्लूड करके एडवर्टाइज करना है। सो उसमें आपका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो रहा है कि लाइक गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है फिर पैसा दे रहा है, या गवर्नमेंट कंफ्यूज है या हम कंफ्यूज है। उनको जो फैसिलिटीज जो मिलना होता है वो लद्दाख में अभी तक उनका मेडिकल फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से हमें क्या वो ईएसआई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सोनम ताशी,
Sir, तो यहाँ पर एक GST counseling report के वाला session यहाँ पर hotel या अपना guest house travel agency के लिए उनका counselor समझते हैं। Kasa Jule, kene diring I ka ngata dihad lai counseling session bo. Ada counseling session kam ngata concluding ceremony win pinya le kawe na nga kene dang inge thup chik dang tene ngata counsel chos ne tene ngata nelet nang yam po collaborate chos te tene ngata I GST nang ngata tele nang tene chosa excel mun school la tene ngaje क्रैश कोर्स सीखना था ट्रेनिंग प्रोग्राम जी जब पोस्ट चुई मजे चुआजा तेन पिन कावे नंकुगा तेने गाता लग ठुगुस सुमचू तेने मजे सेलेक्ट चोस्ते ठुगुस सुमचू गाता बेस्ट क्वालिफाइड ठुगुस सुमचू मजे सेलेक्ट चोस्ते ते ट्रेनिंग बो के तेना रिप्यूटेड गाता सी ग्यूते गाता नेलेट का तांग तेन पिन तेने तेवे नंकुगा गुंचन मंगपोजी गेन पिन चिक चिक तांगाता ठुगुनी स्किल एंड यंग सोचेस निस्पा तेने सुकादा तेने गाता अकाउंटिंग चोस छगलास मुन जैसे दक्षा होटल इंडो कॉन्ट्रैक्टर्स इंडो तेना चोस यंग बिजनेस गाता एंटरप्रेन्योर मंगपो इंडो काउ ना ते चोस लास्ट ने फिया वोस्तुम छाते ने तेवे फिया गाता ठुगु ना कजु ट्रेन चन जैसे जाले चेना अकाउंटिंग बो दक्षा दंग दिने तुसला मा खचन सोंते दुक जीएसटी तेना ने मिक्सल गाता दक्षा इनडायरेक्ट टैक्स गाता जोनो GST yung nga taal, demo chos te nga taa shkang na, demo chos te hagwa na, tewe phantoks pang mamang po yung dukwa, kada nga taa GST input si nga taa benefit si ndo. Te tsang besko la, miksa le mang po agyus yung meru. Tena tsok taa income tax na nga taa TDS chatkan uni, sko la mang po agyus met pasang, te yung nga taa claim machua yung duk. Te yung nyokta mang po yung duk. Te tsok shik nga je, stondu zat pin nga taa tewe ka jipsal mang yung jik nga taa tewe ka, ata te salpel choste ata lakmo chuche se mimang sa hago chuche se te fia nga je I counseling session bo tene dirin chikta nga ta juk duin na pin nga ta japos chu crash course pe te certification bo dirin distribute cho se pin tene nyampo tene nga je seminar ji chok shik nima phede gihari ka nga ta bo tin pin kabe nang ku ga travel agency pa nindo hotel association pa nindo तेना चोसा ट्रांसपोर्ट पॉइंट इंडो तेना चोसा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इंडो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इंडो तेन संगमा तेने का नाता कोना उसको जुस्ते तेने कोना ये काउंसलिंग सेशन बिना मंग छ मिक्सा ले तेने क्वेश्चन एंड आंसर एक गंगा जे मा रिक्शुस या फिन का में नगा तेने रंग रंग सुका दा चितों नाता थेचोम जी गोता तेन तेने लखमो चोला नाता खता सीएन ने पो diste te unika nga je marik shuks gap fun tene uma fruitful nga productive nga ta session ji glus in nang dirasi yo nga je short azuk shigina azuk nga ta azuk session ji borten pin yongche chane jak gun nga tene yun marik nga je chenmo nang ma jipsal jo tene nga ta marik lakwo jo je se pya nga je te jok sundu jo chen nga po tene nga ta yo first batch pono nga ta GST during conclude some the GST training program be ka crash course nga je chos tene dang ngaje yu gozuk cha chik takriban thugu sumgya thal jige enrollment chos tu so pasa ngaje thugu sumchi strength mane ngaja met na na kauna training ngaje impart chung chi jo te fi second third batch kunang gyokspa ngaje gozuk chu chesin kasa jule